नुकत्याच निवडणुकी पार पडलेल्या ग्रामपंचायतच्या उपसरपंच पदासाठी आज निवडणूक घेण्यात आली असून दौलताबाद ग्रामपंचायतच्या उपसरपंचपदी जावेद सत्तार शेख यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे। 15 ग्रामपंचायत सदस्य असलेल्या सर्वधर्म संभव परिवर्तन पॅनलचे सरपंचासह 9 सदस्य निवडून आले होते। सर्वधर्म संभव एकता ग्रामविकास पॅनलचे 6 सदस्य निवडून आले आहे। सर्वधर्म संभव परिवर्तन पॅनलचे जावेद शेख यांचे उपसरपंच पदासाठी 12 वाजेपर्यंत एकमेव अर्ज दाखल झाला। दुपारी 2 वाजता सर्वधर्म संभव परिवर्तन पॅनलचे सरपंच शबाना करीम शेख सह 9 सदस्य उपस्थित होते, तर दुसरे पॅनलचे 6 सदस्य हे गैरहजर होते। पीठासन अधिकारी गोपाल मधुकर गुजर आणि जावेद शेख यांना उपसरपंच म्हणून घोषित करण्यात आले। यावेळी त्यांना तलाठी यमेमुळे ग्रामविकास अधिकारी अख्तर पटेल यांनी मदत केली। जावेद शेख हा एका सामान्य कुटुंबातील असून तो एक फळ विक्रेता आहे। ग्रामपंचायत तर्फे नवनिर्वाचित सरपंच उपसरपंच सर्व सदस्य यांना एक एक झाड भेट देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात आलं। यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य सय्यद कलीम, सर्व ग्रामस्थ, ज्येष्ठ नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती व पॅनल प्रमुख उपस्थित होते। डिसीजन हुआ सरपंच कौन बनेगा इस दौलताबाद की नगरी का, इसके लिए सबसे अच्छा सा आदमी हमारे सब मेंबर ने, हमने सबकी राय लिए, मशवरा लिए, हम सब जावेद भाई का नाम आगे करें और इंशाल्लाह हमने जावेद भाई की कोशिश करें और अल्लाह के हुक्म से, भगवान की कृपा से, सबके आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि हमारे उप सरपंच के विरोध में किसी का फार्म नहीं आया और ये दौलताबाद वाले चाहते उसको वोट देते, उसका पैनल चुन के देते, उसका सरपंच चुन के देते और ऐसा ही मेंबर ने हमारा विरोध सरपंच चुन के दिया। इसके लिए मैं दौलताबाद वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस गांव के लिए हमको क्या काम करने आएगा, हम 5 साल विकास करेंगे और गांव के साथ हम जुड़े रहेंगे, सब गरीब लोगों की सेवाएं करेंगे, पानी की समस्या है, ड्रेनेज लाइन की है।